मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और महाराणा प्रताप में कुंवर चंद्र सेन का किरदार निभा रहा हूँ, जो मारवाड़ के कुंवर हैं। महाराणा प्रताप करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट मेरा हिस्टोरिकल शो है जहाँ पर हिंदी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। और इस कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए काफ़ी बुक्स वगैरह पढ़ी मैंने कि ज़्यादा कैरेक्टर कुंवर चंद्र सेन क्या है, मतलब किस तरीके से उनका पूरा कैरेक्टर था। क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है और जितना अभी काफ़ी टाइम से जो मैं कर रहा हूँ इस कैरेक्टर को, तो काफ़ी एंग्री यंग मैन कुंवर चंद्र सेन थे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और महाराणा के सेट पर सारे मेरे जो को आर्टिस्ट हैं वो काफ़ी मेलजोल वाले हैं, जो सभी के साथ में एक भाईचारा बन गया है, तो काम करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर, ये शो में जिस तरह आपका रोल है कुछ चैलेंजिंग लगता है कि हाँ, जिस तरह से शब्द होते हैं काफ़ी मायने रखते हैं इस सब शो में, तो कितने किस तरह से तैयारी के शब्द को कमाल को? एक्चुअली क्या है कि जब बात हिंदी की आती है, क्योंकि बेसिक हम लोग जब भी बात करते हैं तो हिंदी का ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, उसमें उर्दू भी मिक्स होती है बेसिक लैंग्वेज में। लेकिन जब आप कोई ऐसे माइथो या हिस्टोरिकल शो करते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बात हो जाती है कि आपके शब्दों पर पकड़। तो कई बार हम बात करते हैं और कुछ डायलॉग्स ऐसे आते हैं कि जिसमें हिंदी के कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग सुनते नहीं हैं, आमतौर पर हम इस्तेमाल भी नहीं करते। हाँ, तो कुछ समय हमें प्रॉब्लम आती है, परेशानी होती है, लेकिन शब्द हिंदी की कुछ ऐसी किताबें हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं और उस पर ध्यान दे रहे हैं तो निकल जाते हैं वो सारे शब्द। किस तरह से शो से जुड़े उसके बारे में कैसे? शो से मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मैंने काफ़ी पहले भी ऑडिशन दिए थे इसके, महाराणा प्रताप के, तो काफ़ी मुझे ऑफर भी हुआ था कि आप ये कैरेक्टर, लेकिन कुछ टाइम ऐसा था उस समय कि मैं कुछ और दूसरा शो भी कर रहा था और कुछ स्पेशल चीज़ रिक्वायरमेंट थी इस कैरेक्टर के लिए, तो मैं कर नहीं पाया। लेकिन फिर मुझे क्रिएटिव का फ़ोन आया कि पर्टिकुलर एक कैरेक्टर है चंद्र सेन, तो हम लोग आपको उसमें देखना चाहते हैं। दिया मैंने ऑडिशन और उसी दिन मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। फिर मुझे ब्रीफ दी गई कि कुंवर चंद्र सेन का ऐसा कैरेक्टर है, मैंने उसके बारे में किताब पढ़ी, उसके बारे में जाना पहचाना, तो अभी कर रहा हूँ तो लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर, ये महाराणा प्रताप की बात हुई, इससे पहले आपने कौन कौन से शो किए और क्या क्या फिल्मों में कौन कौन से किए हो? अभी मेरा साथ में थपकी प्यार की भी चल रहा है, जहाँ मैं वन ऑफ द ब्रदर ध्रुव का कज़न ब्रदर संजय पांडे का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और जहाँ बात आती है कि एक सोशल शो की और एक हिस्टोरिकल शो की, तो बिल्कुल दोनों कैरेक्टर बिल्कुल अलग हैं। एक वहाँ एक सिंपल मैन का कैरेक्टर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक जो एंग्री यंग मैन एक राजा है कुंवर चंद्र सेन, जो बिल्कुल सारी क्वालिटीज उसकी कुंवर प्रताप जैसी है, किसी को सुनना पसंद नहीं करते हैं, ईगो काफ़ी है, अकबर से मुगलों से काफ़ी नफरत करते हैं। तो बड़ा मज़ा है, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, यहाँ पे एक्शन है, वहाँ इमोशंस है। जैसे कि आपने कहा कि थपकी प्यार की भी कर रहे हो, महाराणा प्रताप कैसे मैनेज करते हैं? आजकल के जो कलाकार है एक सीरियल करते हैं उसके दूसरे को ना कर लेते, आप कैसे मैनेज करते हो? दो शो मैनेज करने में परेशानी तो काफ़ी होती ही है, लेकिन हमारी टीम जो इतनी अच्छी है तो वो पूरा हम लोगों से हम जितना बताते हैं कि आज इतने दिन मैं दे पाऊंगा आपको और मुझे जल्दी बैकअप करना होगा, तो वो लोग करते हैं। सर, आपने कहाँ से शुरुआत की, फिर मतलब फिल्मी सफर की शुरुआत कहाँ से की, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं राजस्थान की एक बहुत खूबसूरत सिटी जयपुर से बिलोंग करता हूँ और वहाँ शुरू से बचपन से ही थिएटर करने का मुझे शौक रहा है, तो वहाँ से थिएटर की शुरुआत करी रविंद्र मंच से। और थिएटर में इतना शौक हो गया कि मैंने अपना सीए ड्रॉप करके एनिमेशन मल्टीमीडिया मूवी मेकिंग की पढ़ाई करी और उसके बाद मैं मुंबई चला आया। और उसी दौरान मैं कंपनी में कास्टिंग कर रहा था और उसके बाद मुझे एक मूवी का ऑफर मिला, एंड इट्स अ बिग वन ब्रेक, इट्स अ हॉलीवुड मूवी विच आई डन विथ गुलशन ग्रोवर एंड वेरी बिग स्टार, एंड लास्ट ईयर इट वॉज स्क्रीन एंड कांस फिल्म फेस्टिवल, सो दैट द बिग अचीवमेंट फॉर मी। देन आफ्टर दैट आई रेगुलर वर्क फॉर एक्टिंग एंड देन I did many audition and got the Sapne Suhane for the cameo, and then after that I did O Guzariya for V Channel, then after that Thapki Pyar Ki and another shows which I played in CID and Code Red, Savdhan India, then after that Maharana Pratap is the one of the milestone for me. Kitna enjoy kar rahe is role ko? I'm enjoying very well, yes, because Chandra Sen ek aisa character hai ki aap जैसे आप करते जाएंगे एक नई नई स्क्रिप्ट, आपको एक नए एक्शन सीन करने को मिलेंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। थोड़ा पहले डरा हुआ था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑडियंस को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। और
या अभी बहुत अच्छा मिल रहा है, मेरे फैन से बहुत प्यार मिल रहा है, लोग मुझे सराह रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपने कहा थिएटर आप किए, आपने थिएटर किया तो बताएंगे कितना थिएटर को कितना समय देते थे आप, और अभी भी क्या आप थिएटर कर रहे हैं? थिएटर तो मतलब एक एक्टिंग के भीष्म पितामह कहा जाता है थिएटर को, तो थिएटर अगर कोई एक्टर विदाउट थिएटर तो एक्टर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि जो एक बारीकियाँ होती हैं थिएटर की, एक एक्टिंग की जो बारीकियाँ होती हैं वो आपको थिएटर में ही मिलती है सीखने को। तो थिएटर तो मैं आज भी जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं थिएटर करता हूँ, मैं एकजुट नादिरा जी से जुड़ा हुआ हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं जाता हूँ उनके पास, रिहर्सल्स देखता हूँ, घर पर रियाज करता हूँ, और कुछ ऐसे प्लेस हैं जिनको मैं पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ तो मैं रेगुलर पढ़ता हूँ। अच्छा, बॉलीवुड के प्रोजेक्ट के बारे में बताएं क्या कर रहे हैं बॉलीवुड? हाँ, बॉलीवुड में एक मेरी मूवी अभी चल रही है, उसकी शूटिंग अभी फिलहाल 2 महीने से रुकी हुई है वेदर की वजह से, तो मैं विजय सिंह है उनकी मूवी कर रहा हूँ, इट्स बेस्ड ऑन अनटचेबिलिटी, छुआछूत पर है, तो हम लोग अभी MP शूट कर कर आए हैं, आफ्टर 1 मंथ विल गो ऑफ। जैसे नहीं आपने कहा कि आपकी फिल्म है उसमें छुआछूत पे, तो क्या मैसेज है जो कि कई भारत के कैसे राज्य जहाँ पे छुआछूत अभी भी माना जाता, तो उन इलाकों को क्या कहेंगे? हम उन्हीं के लिए मूवी बना रहे हैं कि जिनकी आज भी इस तरीके की भावना है लोगों के प्रति कि ये छोटी जाति का है, ये अलग है, इनके घर पे खाना नहीं खाना चाहिए, शूद्र है, तो हम उन्हीं लोगों की थॉट को चेंज करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सब लोग भाईचारा रखते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और एक नए देश का निर्माण करना चाहिए। बॉलीवुड में कोई फेवरेट कलाकार जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, क्या एम है, क्या लक्ष्य? बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार हैं, बहुत से हैं, हाँ, जिनको मैं बचपन से फॉलो करता आ रहा हूँ वो इरफान खान जी, नसरुद्दीन शाह हैं, अमिताभ जी हैं, तो ये मेरा शुरू से सपना रहा है कि मैं ऐसे महान कलाकार के साथ करूँ जिनसे सीखने को मुझे बहुत कुछ मिले, तो यही है। जैसे आपने कहा कि फिल्मों में भी आप काम किए, टेलीविजन में भी काफी समय से काम कर रहे, तो कितना फर्क नजर आता है टेलीविजन में काम करना, कितना मुश्किल रहता है टेलीविजन और फिल्मों में काम करना? फिल्म में और टीवी में काम करना दोनों एक अलग मजा है। अगर आप फिल्म में काम करोगे तो आपको कंप्लीट मतलब आपकी एक पूरी वर्कशॉप होती है, आप लोग पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के लिए काफ़ी समय से काम करते हैं और आपको स्क्रिप्ट पहले मिल जाती है, आप लोग पूरा अपना होमवर्क कर लेते हैं। लेकिन टीवी के अंदर क्या होता है कि कट टू कट आपके सीन होते हैं, कट टू कट आपको रेगुलर टेलीकास्ट होना पड़ता है, सुबह सीन आया हम लोग फटाफट जल्दी से देखते हैं, रीड करते हैं, देन वहाँ जाके हम लोगों को शूट करना होता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या एडवेंचर है, और मूवी का एक अलग मज़ा है, नेचुरलिटी है, तो काफ़ी मज़ा आता है। अच्छा, फैन से कुछ कहना चाहेंगे? फैन से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोगों का प्यार है जो हमें यूं ही हमेशा बना रहा है, और हमारे सीरियल को आप बहुत सारा प्यार देते हैं और यूं ही देते रहें, और कुंवर चंद सेन की आपसे अपील है कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, अभी फिलहाल इस समय डेंगू का खतरा बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें और हमें प्यार देते रहिए। अच्छा, कल गणपति विसर्जन है तो क्या कुछ? गणपति विसर्जन हम लोगों ने तो मैंने तो अपने सारे जितने फ्रेंड्स हैं सभी लोग 1.5 दिन का रखते हैं, तो हम लोग तो विसर्जन में जाए हैं, लेकिन 10 जो लास्ट गणपति होता है वहाँ प्लीज़ आप सभी लोग समुद्र के जो पानी होता है उसकी थोड़ी भाव बहुत ज़्यादा होता है, और जो हाई टाइड आती है उनसे प्लीज़ ध्यान रखें, और हमेशा ये करें कि आप इको फ्रेंडली गणपति ही मनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट को उससे खतरा नहीं होगा और हम सब लोग अच्छा पॉल्यूशन से बच पाएंगे। Thank you.